बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संभावनाओं की सियासत आगे बढ़ रही है। सीएम नीतीश कुमार पर एनडीए के सहयोगी लोजपा ही कोरोना के बहाने हमला बोल रही है, तो वहीं महागठबंधन के अहम घटक नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। दरअसल तेजी से बदल रही बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार के समर्थन में तब खड़ी हो गई जब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पर हमला बोलते हुए खुलकर सीएम नीतीश कुमार की कोरोना को लेकर किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। हम प्रवक्ता ने चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि विपत्ति के समय भी राजनीति कर रहे हैं, बचकानी हरकत छोड़ दें चिराग, नीतीश कुमार कोरोना से मजबूती से लड़ रहे हैं। दानिश ने कहा कि चिराग को नीतीश कुमार पर हमला बोलने की बजाय अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अचानक मांझी की पार्टी का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति क्यों? क्या कोई नई राजनीति के संकेत हैं? इस पर दानिश रिजवान ने कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। जाहिर है बिहार की सियासत में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। कौन सी पार्टी किस ओर जाएगी, कौन सा दल किस गठबंधन का हिस्सा बनेगा, इसकी तस्वीर साफ साफ नहीं दिख रही है।